माता जी को फोन मिलाया जाए उससे पहले जाने से पहले। अच्छा ठीक है, बाय बच्चा, अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, बाय 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 बाय। अपना ख्याल नहीं सर, मेरा ख्याल होना। हाँ बस 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 ठीक है, बाय। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हाँ बस बस सर, बस ये तो कुछ ज्यादा ही हुई। हाँ बस बस ठीक है, बाय बाय बाय, लव यू। हाँ ठीक है, बाय। फोन नहीं कटा, मैं नहीं कटना फोन, तो कटा। भाई हेल्थ टाइट रखी स्टार्टिंग में, बस बस भाई। भाई मैं कभी ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम कभी ऐसे चलते फिरते ऐसे पानी पियो, बिकॉज ऐसे पानी में भाई बैक्टीरिया इतना होता है कि मतलब बीमार तुम कभी भी कहीं भी पड़ सकते हो। तो मेरे को तो पीना पड़ा यार, पानी कैरी नहीं कर रहा हूँ मैं साथ अपने साथ, और इतने पैसे भी नहीं है कि मैं 60 रुपये की बोतल खरीद सकूँ भाई, तो मेरे को पीना पड़ा था। बट कभी ऐसे चलते फिरते पानी नहीं पीना, कभी भी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पानी पिया था मेरे को पेट में इन्फेक्शन हो गया था भाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके भाई। उसने जो मेरी वाट ली है 3-4 महीने, मुझे को पता है, मतलब पानी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं इस हिसाब से भाई। हालत ख़राब हो जाती है स्ट्राइक में स्टार्टिंग में। एक मिनट, अब बेटर है। हाय बोल दो भाई। हेलो, हाय, थैंक यू भाई। ओके ओके। हे तो अभी धूप शुरू हो गई और भाई लग रही है गर्मी, और इस हिसाब से बदलने पड़ेंगे अभी कपड़े। भाई अभी रास्ता हुआ है कोई 20% पूरा, और कपड़े बदलने पड़े हैं भाई, क्योंकि अब लग रखी है धूप, और अभी शर्ट और ये फ्लीस में आना पड़ेगा, क्योंकि तो गर्मी भी लगती है, धूप ऐसी चुपती कि पूछो मत यार। बस आगे बर्फ़ ना हो भाई, अगर बर्फ़ हुई तो ग्लासेस भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बर्फ़ का ये रहता है कि जब तुम बर्फ़ में चलते हो ना, धूप लगी होती है, वो धूप रिफ्लेक्ट करती है आँखों पे बहुत बुरी वाली। कहीं कहीं तो जैसे जो एडवांस लेवल के ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, मतलब बहुत मुश्किल, वहाँ पे होता है कि कभी कभी आँखों की नज़रें चल जाती हैं। आँखों की नज़रें, नज़रों की आँखें, मतलब जो भी तुम समझ गए ना, तो ऐसा होता है। उसके लिए ग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। ग्लासेस की भी अपनी अपनी रेटिंग होती है, जैसे जो सनग्लासेस होते हैं उनको CPL से नापते हैं, जैसे CPL 40, 50, 70, उनका CPL जितना ज़्यादा होगा वो उतने वो डार्क होंगे। अभी जैसे ग्लासेस की बात चल ही रही है, उस हिसाब से जो कैमरा है ना, कैमरे के ऊपर भी एक सनग्लास लगा हुआ है इस टाइम मेरे, ताकि मतलब देखोगे इतने कैसे डार्क होगा, ठीक है, पड़ रहा ना फ़र्क, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है भाई। बाय भाई। एक और बात, ट्रैकिंग में सबसे ज़्यादा धोखा पता है किस चीज़ पे लगता है, जैसे रुको, ये ऊपर पहाड़ दिख रहा है, हमें लगता है बस यही पहाड़ है, यहाँ तक जाना है, लेकिन भाई जैसे यहाँ पे इस पहाड़ तक पहुँचते आगे एक और पहाड़ आ जाता है, मतलब ट्रैकिंग और ज़िंदगी दोनों ले रही है। मत्था टेक लिया है। भाई कसम से जनता से एक बहुत बड़ी गुजारिश है, ठीक है, कि हमेशा दो चीज़ों पे पत्थर रख दिया करो, एक सांप की कटी हुई मुंडी पे और दूसरा अपने हगे हुए पे। भाई जहाँ देख रहा हूँ ना, कसम से भाई मूड खराब हो जा रहा है।
तभी तो यार ट्रैक से ना अपने ट्रेल से भटकना नहीं चाहिए, ज़रा से भी अगर तुम अपने ट्रेल से भटक जाओ ना भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना। पता नहीं यार क्या कौन सी मैगी खाते हैं भैंचो भाई, भाई पहाड़ अब दिखने तो लगे हैं। तो हाँ, पहाड़ों से एक और जोक याद आया, यहाँ कैसे मतलब फोक टेल टाइप ही है। तो एक बार हुआ क्या, ये एक बार एक टूरिस्ट आया बाहर से, बहुत सीधा साधा शरीफ, ऐसे ही मतलब त्रिवंड आया हुआ घूमने बहुत पहले। तो उस वो बड़े एकदम हैरानी से इन पहाड़ों को देख रहा है, सभी ऐसे पहाड़ों के क्या ही चीज़ है भाई, है ना। देख जैसे वो देख रहा था तो जो यहाँ के लोकल्स होते हैं गद्दी, उनके दो लड़के आए, तो उन्होंने उसको ऐसे थोड़ा डराया और वो भी डर गया। तो उन्होंने लड़कों ने पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने तो वो जो शरीफ सीधा साधा टूरिस्ट उसने बोला कि मैं तो भैया पहाड़ देख रहा हूँ, घूमने आया हूँ। तो लड़कों ने और थोड़ा सा डराया, वो बोला पहाड़ देख रहा है, अच्छा कितने पहाड़ देख बैठे। तो उसने बोला जो टूरिस्ट था उसने बोला मैंने कोई देख लिया अभी, कोई 10-15 तो देख ही लिए। तो फिर जो लड़के थे थोड़े गुंडे टाइप के, उन्होंने उसे बोला कि 10-15 देख लिए, चल निकाल 10-15 के, अब 100 रुपया निकालो उनका। तो उस बेचारे टूरिस्ट ने 100 रुपया निकाल के दे दिया। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो चले गए लड़के, और फिर टूरिस्ट का एक और दोस्त आता है। तो जो सीधा साधा टूरिस्ट था अपने दोस्त को बोलता है कि भाई यार यहाँ पे तो दो लड़के आए थे, उन्होंने बहुत डराया, मेरे से पैसे ले लिए, उन्हें ये पूछा कि कितने पहाड़ देखे हैं, लेकिन मैंने भी उनका फुद्दू काट दिया। अरे यार फुद्दू नहीं काट दिया, मैंने भी उनका मतलब बेवकूफ़ बना दिया कि मैंने तो सिर्फ 10 पहाड़ देखे, लेकिन मैंने देख तो 50-60 रखे थे, सिर्फ 100 रुपये दिए उन्होंने। पता भाई फनी नहीं था इतना, पर बोलने को कुछ हो रहा है भी नहीं। त्रिवेणी पहुंच गए भाई, लेकिन जहाँ त्रिवेणी से भी आगे है, क्योंकि मोस्टली जो पॉपुलर जगह है वो है त्रिवेणी, उससे आगे का मतलब बहुत कम जानते कि कौन कौन सी जगह है आगे। तो त्रिवेणी का ये सीन है, त्रिवेणी है कमर्शियलाइज्ड, मतलब यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे रुक जाओ स्टॉल्स कहाँ दिख रहे हैं, जैसे एक ये स्टॉल दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, मतलब त्रिवेणी के नीचे भी थोड़े ऊपर भी। तो स्टॉल्स का फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जो नए नए आते हैं ट्रैकिंग के लिए, जो मतलब थोड़े एज्ड भी होते हैं जिन्हें या फिर एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके लिए ये कमर्शियलाइजेशन ठीक रहती है, मतलब पका पकाया खाने को मिल जाता है, रहने को मिल जाता है कुछ अमाउंट के एक्सचेंज में, और जो लोकल्स होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत कमाई का सहारा हो जाता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है ना कि ये जो ट्रैकिंग की फील होती है मार देता है, और मतलब ऐसे फिर फील नहीं आती। वैसे आज भी मैं वैसे ही ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे को भी कहीं ना कहीं मतलब जो ये स्टॉल्स होते हैं नहीं, मैं रुकना पड़ेगा आज, क्योंकि मैं अपना गियर नहीं लाया भाई। और क्या था, और हाँ, तो त्रिवेणी में जैसे तुम अपना कैंप भी नहीं लगा सकते त्रिवेणी में, क्योंकि जो हमारा हिमाचल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने थोड़े बहुत ऐसे रूल रेगुलेशन सेट किए हैं कि जो यहाँ पे पहले से लगे हुए हैं ना टेंट्स, जो कमर्शियल टेंट्स, सिर्फ वही रहेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा टेंट्स होंगे, ज़्यादा लोग होंगे और ज़्यादा गंदगी होगी, ज़्यादा मतलब ऐसे थोड़ा सा वेस्ट कंट्रोल रहता है, क्योंकि एट द एंड बंदे खाएंगे भी, निकालेंगे भी, यहाँ पे फेंकेंगे भी मतलब, है ना। और जब बरसात के सीज़न, जो नीचे सिटी है धर्मशाला, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है भाई पूछो मत। तो फिर इसकी वजह से सब कुछ रूल रेगुलेशन करना पड़ता है। तो अभी आगे चलते हैं, अभी पानी वगैरह तो पी लिया, खाने का तो क्या डाला मैंने, खाने को मैंने डाला है ड्राई फ्रूट्स। हाँ बाय भाई, साइंस लाइक दीज आर वेरी हेल्पफुल यू नो। कहा भाई क्या हुआ, कुछ और काम ना है का? ले भाई खाएगा।
मत था मेरे को क्या पहुंचने वाले मतलब लगभग 90% तो ट्रैक हो गया है, लेकिन ट्रैकिंग में सबसे ज़्यादा चैन पता कब मिलती है, जब ऐसा प्लेन रास्ता था एकदम प्लेन एकदम, फिर टांगों को ऐसे शांति मिल जाती थोड़ी देर के लिए। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ट्रैकिंग और लाइफ सिमिलैरिटी तो है ना, क्योंकि हम सभी एट द एंड किसी की यार मतलब संदीप है महेश्वरी नहीं बन रहा मैं, लेकिन क्योंकि खुद के विचार होते हैं यार बोलने चाहिए, तो हम सब मतलब किसी न किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल तो करते ही, एक पर्टिकुलर एम के लिए, जैसे हमें ट्रैकिंग में किसी न किसी डेस्टिनेशन पर तो पहुँचना ही होता है, तो रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो हमारे साथ सिमिलर सेम चीज़ के लिए मतलब लड़ रहे होते हैं, जैसे ट्रैकिंग में भी कई लोग मिलते हैं जो जाना एक ही जगह होता है, तो जैसे ट्रैकिंग में जो जो उस जगह को होके आ गए होते हैं, जो नीचे को आ रहे होते हैं, जिन्हें अपना वो एम अचीव कर लिया होता है, जैसे उनसे पूछते हैं ना भाई कितना देर है, कैसे होगा, कैसे रास्ता है, वैसे लाइफ में भी कभी कभी सजेशंस ले लेने चाहिए किसी से, जिस बंदा मतलब जो बंदा वहाँ पे होके आ गया है, सो भाई वैसे इतना ज्ञान भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है अपना ही करना जो करना, बाय। पहुँच गए भैया, पर धुंध है, दुख की बात है, मतलब अब इतनी एक जान नहीं बची है कि मैं बोल भी सकूं, लेकिन तसल्ली है कि पहुंच गया हूँ। हाँ। देखते हैं आगे क्या होता है भाई, जान ही नहीं बची भाई बोलने में, बाय। प्रेस करके रखना पड़ेगा ना, ना बस छोड़ दो, एक रेड बटन होने ना, वहाँ देख वहाँ देख वहाँ देख, फेस इधर कर, मस्त है नहीं, इसका नाम क्या होगा इसने, लेकिन मूत मूत के ना सारे खलारे के रखे हैं इसने, बाय गीला रख है, बाय। आजा कुछ नहीं है मेरे पास, भाई नाम क्या है इसका, ताशी ताशी दे ले, ताशी भाई। तो ये जगह है मस्त एकदम, बस अभी थोड़ी सी धुंध है तो ये सारे जो पीक्स वगैरह है ना ये भी ढके हुए हैं, लेकिन सुबह तक क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और क्या ठीक है, एक रात यहीं भी काटनी है अभी, और सुबह देखते हैं, अभी सनसेट होगा उसको क्या चर करने की कोशिश करेंगे एकदम ढंग से। जो उल्टी का मन हो रहा है और कुछ नहीं यार, बाय। सिर दर्द हो रही है भाई, AMS तो नहीं हिट कर गया मेरे को, पर सन किस्ड सन से याद आया, पता नहीं यार मतलब समझने की कोशिश करना ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना इस बात पे कि सन से याद आया कि पहले एक बहुत पहले एक रिसर्च हुई थी, एक साइंटिस्ट था आइवनोविच वेविलोव, तो उसने ये रिसर्च की थी कि जो जो हम ये उगाते हैं ना, जो भी धान बाजरा मक्की जो भी ग्रेन्स होते हैं हमारे, जो भी हम खाते हैं, वो पहले जो उनके पुराने एंसेस्टर्स हैं ना, मतलब जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं साइंटिफिक टर्म में बोलें तो, वो हाई एलिवेशन एरिया पे होते हैं, जो भी मतलब हाई अल्टीट्यूड एरियाज होते हैं ना वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे रहता ही है कि हाई अल्टीट्यूड एरिया में उनका कोई मतलब एक मतलब सेट नहीं रहता है, वो हमेशा म्यूटेट करते रहते हैं कि एक स्पीशीज़ ये होगी, आगे उसका ऑफस्प्रिंग जो होगा, जो उसका बच्चा होगा आगे जो मतलब उसका बीज से उगेगा वो थोड़ा अलग होगा, तो उसमें ऐसी म्यूटेशंस आती रहती हैं जो हाई एलिवेशन में होती हैं, जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं जो उनके
मतलब जो अभी जो लगाते हैं उनके जो पुराने पूर्वज हैं हाई एलिवेशन पे, ये तो हम लेके आए इनको मतलब लोअर एलिवेशन पे और इनको कल्टिवेट करना शुरू किया। तो ये म्यूटेशन इस करके होती हैं कि जो सनरेज होती है ना हाई एल्टीट्यूड पे, उनमें यूवी रेडिएशन ज़्यादा होती है, फिर जो हाई एल्टीट्यूड पे जो क्लाइमेट होता है वो भी बार बार बिगड़ता रहता है, कभी धूप है कभी छांव है, इसके करके जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है जो उन स्पीशीज़ का डीएनए जिसे बोलते हैं वो टूटता जुड़ता रहता है, फिर उसकी वजह से जो म्यूटेशंस आती रहती हैं। तो बोलने का मतलब ये अगर समराइज करके बोलूं कि जो हम जो भी नीचे लगाते हैं ना, धान बाजरा मक्की छली फलां ढेमका जो भी हमारा ग्रेन होता है, ये नेचुरली हमारे लोअर एलिवेशन पे नहीं पाया जाता था। इसके जो पुराने पूर्वज हैं जो इसके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं वो पहले पाए जाते थे हायर एलिवेटेड एरियाज में, जैसे कि मतलब रख लो यार कुछ भी जो हमारी हिमालय वाली रेंज रख लो, फिर जो कजाकिस्तान वाली रेंज रख लो हायर, जो भी सब कुछ है ना, मतलब तुम पढ़ना अगर उसके बारे में बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत मस्त है, तुम मतलब साइंस में थोड़ा बहुत ऐसा इंटरेस्ट है तो पैर पर सिर में दर्द हो रही है मेरे, थोड़ी देर पहले उल्टी आ रही थी। बाय। मेरा फर्स्ट कैमरा और सेकंड कैमरा कैनन था। मैंने पहले कैनन इजी होता बहुत सारा यूज करने को, पहले मैंने 1200D लिया था। अच्छा, उसके बाद 80D लिया। ताकि हां बगे वाओ बढ़िया उल्ली। इसकी कटिंग करते हैं? कटिंग करता हूं। आप खुद ही कर देते हो कि? हां ट्रिम करता हूं उसका वो मशीन से। अच्छा, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी यहां पे इतनी हाई एल्टीट्यूड में? नहीं, ठंड तो लगता होगा। अच्छा ले लो आप चाय। ताशी तू मत पियो, इसको कैफीन बजेगी इसको। ताशी कम ताशी, मेरे पास है। मेरे पास। आजा। मोदी लू। वैसे बाल लगते हैं इसके, पर कंटेंट के लिए कुछ भी। ये देख। ओ भाई, इधर मतलब खाता है कभी कभी ऐसे, कभी कभी थोड़ा बहुत। ताशी कम, ताशी थोड़ा सा भाई फीलिंग आ रही है मैन वर्सेस वाइल्ड वाली। ये मैं घर के पास भी लेता हूँ। घर के पास भी यही लेता हूँ। वो किस चीज के लिए? घर के पास कैंपिंग करते हैं हम। अच्छा, घर के पास। अच्छा, समझ गया, वो जो मतलब होता नहीं आजकल नया ट्रेंड चला। हाँ, साउंड कैंपिंग करते हैं। हाँ, साउंड कैंपिंग है, एस्थेटिक है, एएसएमआर टाइप। हाँ, वो वाला। दिखाओ भाई, फूंक के दिखाओ आप अपनी। फूंक देंगे इसको। वो खत्म हो गया। एक बार इसको लग गई ना, नहीं भाई एक बार इसको लगी बंद होता, फिर बंद नहीं होगा, हवा से चलती रही। अंदर भी ट्रैकर नहीं, गेम लाई हूं मैं। कौन सी गेम? कौन ट्रैकर? पता नहीं कौन गेम लाई है। तो ट्रायल गेम, ऑफलाइन गेम हो। दिख बड़े थोड़ी देर दीजिए उधर को, तो ये होना चाहिए। ट्वीट का दो ये।
ऐ भैया तो ओ देनी है तो बड़ी जरूरी है मैं के असली शायद कोई स्टार देखो देखो सुटदा मत इस 200 डी है हां 4 साल हुए सो तो ते की लेते होना ना हाथा जोड़ी दे दे दिया रोई पे मम्मी कह रहा है भाई तूने मतलब किसी चीज के लिए दुख नहीं दिया मेरे को तूने बस कैमरे के लिए दुख दिया मेरे को आज तक जिंदगी रख दे उठे कैमरे तक भाई सीन पता क्या बंदे को यूट्यूब पता है किससे स्टार्ट करनी चाहिए फोन से फोन से करनी चाहिए अगर जैसे मैंने कैमरा लिया कैमरे का मेरे को लाइट लेनी पड़ी लाइट के बाद मेरे को लैपटॉप लेना पड़ा लैपटॉप के बाद कैमरे का ट्राइपॉड लेना पड़ा ट्राइपॉड के बाद पता नहीं क्या साथ कुछ भी नहीं लेना हां फोन के साथ कुछ एक बार फोन ले लो अच्छा सा इनबिल्ट है वो सब कुछ हां और फोन का ये था होता 24 घंटे जेब में जब मर्जी निकालो था वीडियो बंदे को पता भी नहीं चलता रिकॉर्ड भी कर रहा है हाँ अगर वैसे केस हो जाए और मतलब अभी जैसे गोप्रो चले ना उसमें बंदा वो कैमरा कॉन्शियस नहीं होता है अगर मैं पब्लिक में DSLR लेके चलूँ ना ऐसे उठाऊँ फट के जा रही होती है मैं भी चलाता हूँ यार DSLR पब्लिक में आप चला लेते हो पब्लिक ऐसे करके 610 चलाता है ये 600D कैनन का ही वो मेरे को किसी ने गिफ्ट दे दिया बंदा तू ब्लॉगिंग कर तू हां खुश रहे तेरी खुशी में मेरी खुशी देखा बड़ा बंदा है ये DSLR गिफ्ट हो रहे हैं यहाँ साला कच्चा गिफ्ट नहीं देता कोई भाई तू कच्चा बदल ले कच्चे चोरी हो जाते हैं भाई छोटे चोरी हो जाते DSLR आ रहे हैं गिफ्टों में उसने बोला रहा तू गरीब है चल ले मर मर रहा है तू भी ले ले ओहो पीले हो गए प्याज प्याजों को लग गई हाथों की मेहंदी बन रहा कुछ ये सेक्सी लग रहे हैं यार यार ये भी सेक्सी सेक्सी हर चीज सेक्सी 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 होती है हर चीज भाई गाइस बाय गाइस बाय गाइस भाई खाना खाने लगा है उसके बाद मिलते हैं फिर हम आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं फिर से तब तक हमारी कुकर भी सिटी आ जाएगी ठीक है मॉर्निंग मॉर्निंग भाई मॉर्निंग आंखें सूज गई यार सो गए मैं यहाँ है क्या आंखें सूज गई है गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग गाइस दिस इज माय हेड परना इसको हेड परना बोलते हैं इसने बड़ा मदद की है मेरी क्योंकि मेरे पास कैप नहीं थी फिर मैंने इसका मैं रात को वो लगाया था भाई ऐसे के गेटर लगाया फिर कमीज ली और लपेट ली हैं ओ भाई पूरा पर ये तेरे पत्थर वाली टेक्निक काम आई भाई ये बड़ा खतरनाक लड़का है हमने मतलब सोने से पहले ना ये जुगाड़ लगाने में एक नंबर है हर चीज में मैंने पत्थर लिया था मतलब किसका ज्ञान का पत्थर बोलते इसको तुंदे पास क्या बोलते ज्ञान ना होता क्या होता क्या पत्थर अरे जो आग जलाते इसको क्या बोलते हैं आपके साइड ज्ञान नहीं बोलते नहीं आग ही बोलते हम अच्छा आग ही बोलते आग ही बोलते हम हमारे साइड ज्ञान बोलते हैं चलो भाई लड़के के साथ बात बात करो भाई गाय मतो सीधी रख पीठ ठीक है सो गाइस पूरी रात लड़कों की सो के स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अभी बॉडी जो है वो अकड़ चुकी है तो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं लड़के दोनों और कर सकते मेरा तो थोड़ी पहचान से पकड़ा था भाई क्योंकि चमड़ी की शोध ही होती है तू हमारे साथ बैठेगा हेलो हाँ पर उस पर बहुत मज़ा है हेलो गर हेलो पासी कह रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड उन दोस्त हम सिखाएंगे नहीं ठीक है हम नहीं सिखाएंगे हम नहीं? इसको सिखाएंगे आपको नहीं सिखाएंगे बाकी इसकी जिम्मेदारी है आपको सिखाना क्योंकि ये कह रहा मैं अच्छा लड़का हूँ तो फिर बिगाड़ना नहीं सकते भाई रात को बैठते नहीं बाहर तो पता चलता है क्या बात है की वाइब है तेरा नाम क्या असली खुदा तेरा इसका नाम अनजान अनजान दादा ना दस तू सुनाल है मेरा नाम सुनाल लग गया सुनाल पठानिया के नाम है
चैनल से क्या भाई चैनल से नाम सुनाल पठानी सोचा भाई आप गेस करके बताओ कि मेरे कितने सब्सक्राइबर होंगे बहुत करीब 100 सब्सक्राइबर है ना मेरा मेरा सुना शक्ल दिखी गई लगता है ठीक ठाक सुनाल पठानिया जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हिंदी बोलनी तू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन मतलब पता है क्या भाई सुना तो सही कि बंदे को ना थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए जरूरी नहीं कि वो एक चीज पे वो हो ना कि मतलब बाकी शॉट देखे एसी एसी सामने करदा एस ऑफ हार्ट कने 250 फलाना इन पे और रखियो भी मेरे खिलाफ हाथ दे टक्के सज्जे दे अरे मैं पता नहीं गलती मंडी दे मुझे लगा पत्ते चल 8 ऑफ डायमंड कने क्या होता है पढ़ा रहे हैं फिलहाल सिखा रहे हैं यार इसको ठीक है ले ले अपने पत्ते ले चुक ले पत्ते अपने 10 दिन डुबे हैं ठीक है हाँ भाई दो आईवा बाजी ये तू ही पीते हैं पानी से करने लगी है ओ भाई बिल्कुल लेके जाएंगे भाई टेंशन के ले रहे हो अरे भाई फुकड़ियां ना दिखता रहा तो फुक देनी है हाथ से राख हो जानी है सब कुछ फुक देना है टेंशन ठीक है ये डिसाइड कैसे हो रहा है कि जीत कौन रहा है जीत कोई नहीं रहा है भाई पत्ते बाहर जा रहे हैं हमारे पत्ते खाली हो रहे हैं और जिसका जब जब खत्म हो जाएगा ना जो खत्म हो जाएगा ना जैसे मैंने ये फेंका 8 फेंक दिया तेरे पास 8 नहीं है ना ऐसे वाला तो कोई फेंक सकता है तो वो मेरे को उठाना पड़ेगा फिर अगली बारी कुछ और हो गया फिर मेरे पास नहीं हुआ है तो फिर मेरे को उठाना पड़ेगा तो मेरे पास बढ़ता जाएगा तेरे पास कम होता जाएगा जिसके पास खाली हो जाएगा ना लास्ट में वो जीत जाएगा समझा लिया भाई सिखा था ना बिल्कुल ठीक है अब किंग फेंक तेरी बारी है समझ गया लिया था मिंजी ये लग गया तू अपने मेन मेन हथियार बचाए कर इन रखे कने तो यही तो गेम है ना यही हम मेन मेन चीजें बचा के रखी आप शो नहीं कर रहे हो ना वो कोई नहीं शो करता है और मैं ऐसे कुत्तों की तरह मैं अब निकाल अब देखो इस पे दिमाग लगाना था तूने दिल फेंका दिल तो मैंने तेरे पे पहले उठाया था समझ गया ना तू कहानी बस यही है चल हो ना सोच इसल क्या बचा होगा चिड़ी सेल है नहीं दिल सेल है नहीं काला दिल भी है नहीं सेल की होगा इसे ठीक है ना पर मेरा लॉक है बारी खत्म तेरा वही है पानी है वो ठीक है गेम समझा मस्त खत्म हो गया मैं तो करना था यार कुछ दोबारा मैं ऐसे करना था कुछ मैं हूं ना कुछ मैं हूं ना यो हाँ जी
छोकरियां